हरियाणा में सत्ताधारी बीजेपी और उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी के बीच खटास पैदा होने लगी है। पर ये खटास उस वक्त सबके सामने आई जब बीजेपी ने नगर निगम चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। वहीं अब जेजेपी ने भी अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। दरअसल जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने गांव बुडाना में मनदीप ढांडा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी को कोसा और कहा कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन निभाया है। अलग अलग चुनाव लड़ने का ये बीजेपी का फैसला है। वो तो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई थी। ये तो आप भाजपा के लोगों से ही पूछें तो ज्यादा बेहतर है। हमने तो गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाया है। 2.5 साल में 2 चुनाव विधानसभा के उपचुनाव भी हुए, उनमें भी हमने उनको पूरी सपोर्ट की। अब हम तो यही चाहते थे कि हम मिल करके लड़ें, पर ये उनकी पार्टी का निर्णय है। उन्होंने फैसला किया कि फ्रेंडली लड़ लें, तो हम तो फ्रेंडली लड़ने के लिए भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। वही इस मौके पर अजय चौटाला ने बड़ा ऐलान भी किया और कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनके विधायक निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट डालेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेजेपी निकाय प्रधान पद के लिए सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। पूर्व मंत्री के बेटे कार्तिक शर्मा, हमारी पार्टी ने भी उनको समर्थन दिया है। भाजपा के भी बचे हुए वोट उनको मिलेंगे और इंडिपेंडेंट्स भी उनको सपोर्ट करेंगे। सिंबल पे प्रधान पद, सिर्फ प्रधान पद के लिए सिंबल पे लड़ेंगे। म्युनिसिपल काउंसलर के लिए हमने सिंबल का सिस्टम नहीं रखा। इस मौके पर अजय चौटाला ने जेजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर कहा कि वे मर्यादा में रहकर अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में जेजेपी बीजेपी गठबंधन की सरकार पहले की तरह सही तरीके से चलती रहेगी। बेशक विपक्षी दल बीजेपी जेजेपी गठबंधन को महज 15 दिनों का गठबंधन बताते थे, लेकिन दोनों दलों का गठबंधन विधानसभा में पूरे 5 साल चलेगा।